लोकतंत्र का महापर्व चुनाव, अभी झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है 13 तारीख को, पहले चरण का मतदान होना है झारखंड में, जिसमें पहले चरण में गुमला विधानसभा के रायडी प्रखंड में हम लोग आए हुए हैं। यहाँ लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी जो सरकार है या जो विधायक, उनका काम कैसा हो रहा है या अभी कैसी अपेक्षा रखना चाहते हैं, जो आने वाले अभी चुनाव है कैसे कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं उस पर बात करेंगे। तो मैडम बताइएगा थोड़ा, आपके क्षेत्र में विकास के कार्य कैसे, अभी के समय में जो भी सरकार है या अभी विधायक है, क्या क्या काम हुआ, क्या क्या होना चाहिए था? मेरे पंचायत में अभी जैसे कि मैया योजना चला है, उसमें बहुत लाभुक को मिल गया है और इससे बहुत खुश भी है लोग कि हमें सदन रहना चाहिए इससे करके, तो पब्लिक अपना स्वेच्छा से वोट। नहीं नहीं, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ें जरूरत है, क्या लोगों को मिल रही है, क्या जरूरत नहीं है? जरूरत है, जरूरत आधा से पूरा भी हुआ, काफ़ी पूरा हुआ, काफ़ी मतलब यहाँ लोगों की जरूरतें पूरी हुई। और फिर आप किस पंचायत में हैं? तो आप जनप्रतिनिधि, आप लोगों को क्या लगता है इस बार कैसे प्रतिनिधि के चुनाव होना चाहिए? प्रतिनिधि तो अपना ही होना चाहिए, जैसे जो अपना पब्लिक के लिए काम करे, क्षेत्र के लिए विकास करता है। और भी लोग हैं, मैडम से बात करते हैं। बताइए मैडम, क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है, खासकर जो यहाँ पर बुनियादी जरूरत है, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पे क्या काम हो रहा है? देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो क्षेत्र में जो भी अभी विधायक रहे या मंत्री रहे, क्षेत्र में ऐसे खास काम, जैसे सड़क उड़क हुआ अभी तक बना नहीं है, ऐसे गांव है कि जंगल में उन लोग को एक मरीज है तो उसको खाट में लाया जाता है, वैसे पुल नहीं है, सड़क और पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है अभी तक। और मैं कहना चाहूँगी कि जो भी अभी हम लोग अपने पंचायत के हम लोग मुखिया होने के नाते, जैसे कि हम लोग 11 दिन हम लोग धरना प्रदर्शन किया अपने मांगों को लेकर, 5 सूत्री मांग था हम लोग का, और हम लोग को वहाँ पर जिस तरह से ठका गया है, उस आधार से मैं कहती हूँ जैसे कि जो भी मंत्री हैं वो भी एक जनता से चुन के जाते हैं, जो भी विधायक बनते हैं वो जनता से चुन के जाते हैं, पर एक जमीन स्तर में जो प्रतिनिधि रहते हैं उन लोग को वैल्यू नहीं दिया जाता है, और जो हम लोग का मांग को रखे थे उसको ये लोग ठगने का काम किया है, तो हम नहीं सुन रहे हैं, प्रतिनिधि का बात भी नहीं सुना जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो आगे सरकार बना के हम लोग देते हैं वो जो जमीन स्तर पे हम लोग को गांव में काम होना चाहिए, उस तरह से काम होना चाहिए, और जितना भी मतलब कि अभी काम ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है काम, जिस तरह से काम होना चाहिए, व्यक्तिगत काम दिख रहा है, जैसे मैया सम्मान योजना, और जैसे हाथ में एक झुंझुना लेके थकने का काम हो रहा है, छोटा छोटा हो रहा है, हाँ, उसका वही मेरा नजर में दिखता है। क्या बेहतर रहता, क्या चीज मैया सम्मान में 1,000 देने की जगह अगर रोजगार मिलता तो ज्यादा बेहतर रहता, वो सबसे ज्यादा बेहतर रहता रोजगार के, हाँ, रोजगार अगर मिलता, इतना युवक लोग, युवती लोग पढ़ लिख के फिर घूम रहे हैं, आई ए बी ए करके बेरोजगार भटक रहे हैं, उन लोग अभी तक ऐसा नौकरी नहीं मिल पा रहा है। और भी जनप्रतिनिधि इनसे बात करते हैं, बताइए क्या लगता है इस क्षेत्र में क्या काम हुआ है, कैसा होना चाहिए था? देखिए सर, अभी तक तो इस सरकार में जो जेएमएम का सरकार है, जहाँ तक विकसित होना था नहीं हो पाया है, काम नहीं हुआ जी, अगर बहुत जरूरी है सरकार चेंज करना। वर्तमान विधायक का काम को कैसे देखते हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरे पंचायत में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सड़क बिजली पानी कुछ नहीं, सड़क भी नहीं है, रोड भी नहीं है, मेरे पंचायत में ऐसा एक गाँव है गंगारी जो गाँव है, वहाँ नेटवर्क भी नहीं है, पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं, अभी भी पेशेंट को हम लोग ले जाते हैं खटिया में उठा के, आज तो बाइक तक नहीं जाता होगा, लोग पलायन भी करते होंगे, हाँ पलायन भी करते हैं, ऐसे में क्या है, रोजगार की जरूरत भी थी, बहुत जरूरी है रोजगार की, जरूरी है हम लोग सरकार, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि चेंज करे सरकार, और हम लोग सरकार में परिवर्तन होना चाहिए जी, जो समस्या है काफी बड़ी है। और एक रोड है मेरा बम्बलखेड़ा में चली टोली, वहाँ भी सेम कहानी है, वहाँ का भी नेटवर्क नहीं है, आपका रोड नहीं है, पानी का नहीं है, जी जी जी, फिंगर के लिए हम लोग को जाना पड़ता है, चावल को जो होता है ना फिंगर, राशन दुकान वाले डीलर जो होते हैं वो लोग पहाड़ में जाके हम लोग फिंगर करवाते हैं, तब जाके लोगों को राशन मिल पाता है। सुरसांग थाना में भी बहुत दिक्कत है, जो टेक्नोलॉजी भी है तो उससे लोगों को परेशानी हो रही है, सुविधा नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, पहाड़ के ऊपर जाके जब अंगूठा लगाना पड़ा तो उन्हें राशन कैसे मिलने को मिला, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आज हम लोग झारखंड के कुंडरा पंचायत जो है आज 20 साल हम लोग पीछे हैं,
अभी नेटवर्क के मामले देखा जाए या तो कंप्यूटर का मामले देखा जाए तो मेरे पंचायत के बच्चे लोग जीरो हैं। अगर नेटवर्क रहे तब ना जानेगा कोई। आज ऑनलाइन क्लास जो केंद्र सरकार ने कराई जो लॉकडाउन के टाइम में, नेटवर्क नहीं रहने के कारण लोग छूट गए, कनेक्टिविटी मतलब नहीं हो पाया, के बराबर नहीं हो पाया जी। मतलब जो काम यहाँ करना चाहिए था सरकार को, विधायक को, काम बिल्कुल नहीं हो पाई, यहाँ जीरो में है अभी। क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग ज्यादा तरीके से जमीनी स्थिति देख रहे हैं। हाँ, जमीनी स्तर पर लोग घूमते हैं, अपील करते हैं, विधायक कहाँ आते हैं? आज तक मेरे पंचायत एक दिन नहीं आए हैं, पूछ लीजिएगा। हम ओपन चैलेंज करते हैं, कहीं कुंडरा पंचायत में कहीं फील्ड किए हैं, विजिट किए हैं, तो हम बोल लेंगे उनसे। मतलब आपकी समस्या जस्ट की तरह से जी, जी, नहीं और नहीं जी। और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइए मैडम, कैसी समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में या सब कुछ ठीक है? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। जो है देखिए, कल जो था आज भी वही है यहाँ पर। आज मेरे प्रखंड से 2 किलोमीटर दूर के दूरी पर एक गांव है, 2 गांव है, वहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची। बिजली नहीं पहुंची है, हालांकि ये सदर प्रखंड का सदर पंचायत होने के नाते भी बिजली नहीं है। बताइए, सदर प्रखंड का सदर पंचायत में बिजली नहीं है? कहीं पर पुल टूटा हुआ है, कहीं पर मतलब विकास के नाम पर रोड पुल पुलिया तो नहीं के बराबर दिख रही है क्षेत्र में। और जहाँ पर बोला जाता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, लेकिन ग्राम सभा का यहाँ पर वैल्यू कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों को पावर नहीं मिला है? कुछ पावर नहीं मिला है। देखा जाए तो अबू आवास में ही हम लोग को ग्राम सभा से चयन करने के लिए कोई ऐसा दिया ही नहीं हम लोग को पावर। अच्छा, तो ग्राम सभा से चयन करना था उसमें? नहीं, वैसा कहीं से ग्राम सभा से चयन हुआ ही नहीं। किस आधार पे हुआ है? यहाँ पर चयन हुआ जो आवेदक को जैसे आवेदन दिए उसी आधार पर कंप्यूटर में वो लोग सैंक्शन किए। अब सैंक्शन किया गया है उस आधार से, नंबरिंग सिस्टम से यहाँ पर आवास मिल रहा है। गड़बड़ी है। अब वहाँ हम लोग यहाँ के स्थायी जनप्रतिनिधि हैं, तो हम लोग को पता है कि किसका बरसात में अभी घर धस गया है, उसको भी हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि सूची बनाने वाला तो वहाँ बैठा है और हम लोग हैं गांव में, वास्तविक स्थिति से पता ही नहीं किसको घर की जरूरत। और हम लोग तो हर दिन गांव घर में जाके लोगों से मिलते हैं, किसका घर टूट गया है, क्या हो गया है, तो हम लोग उसको भी नहीं दे सकते। सरकार की योजनाओं को भी सही आदमी को लाभ नहीं दे पा रहे हैं। अब मैया समान योजना दे रही है सरकार, तो 1000 से जैसे महंगाई को देखते हुए 1000 से क्या हो जाने वाला है? इसी से आप रोजगार देते, व्यवसाय देते किसी को, छोटा छोटा कहीं पर किसी का आमदनी बढ़े, कहीं पर रोड किनारे ही आप छोटा छोटा दुकान दे देते जो कि यहाँ के बच्चे रोजगार करते हैं। काफी संख्या में पलायन भी करते हैं, पलायन बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है यहाँ पर। लोग यहाँ पर अपना जीविका के लिए 6 महीना खेती बाड़ी करते हैं, बाकी निकल जाते हैं ज्यादातर दिल्ली मुंबई। और उनके लिए चुनाव का मतलब भी कुछ नहीं है, ये मतलब नहीं। तो अभी तो सब लोग अपना काम करने के लिए गया है, जब लौटेगा तब उन लोग को क्या पता है सरकार कौन बैठा है नहीं बैठा, उसको कोई मतलब नहीं। चुनाव सरकार उनके लिए काम ही नहीं कर रही। जब उसका पेट में ही अन्न नहीं रहेगा तो चुनाव से उसको क्या मतलब है? ऐसी स्थिति आ गई है। तो देखने वाली बात है कि जनता किसको सपोर्ट करती है। आज देख कहीं ना कहीं शिक्षित भी हो गए हैं लोग, तो जान रहे हैं कि किसको देना है ना देना है। हम ये नहीं कहेंगे कि जेएमएम को दे, कांग्रेस को दे, भाजपा को दे। हम ये संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि कैंडिडेट दे के वोट दे जो क्षेत्र का विकास करे। अच्छा, शिक्षा की स्थिति क्या है लोगों के यहाँ? जैसे चाह रहे वैसे शिक्षा मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है शिक्षा, उसका भी अभाव है। लोगों को अवेयरनेस का भी अभाव, सबसे ज्यादा गरीबी होने के कारण उन लोग को शिक्षा के लिए उन लोग को पहुंच पथ की जरूरत है। सड़क ही नहीं है, पुल ही नहीं है। महज प्रखंड परिसर के 1 किलोमीटर पीछे जहां से बच्चे के लिए आने जाने के लिए रोड नहीं है, पुलिया नहीं है, नदी से देख कर आ रहा है, रोज भिंजा हुआ कपड़ा पहन के आ रहा है, उस स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? वो भी प्राथमिक शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए तो और भी परेशानी है, उसके लिए तो पैसे भी चाहिए। माँ बाप का को रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो बच्चे पढ़ने के लिए कैसे बाहर निकलेंगे घर से? माँ बाप खाना जुटाने के, 2 वक्त का रोटी जुटाने के लिए उन लोग को दिक्कत हो रहा है, तो पढ़ाई के लिए तो आपको पैसा लगेगा, ऑटो फेयर लगेगा, बस में जा रहा है तो बस फेयर लगेगा, अगर कहीं दूर पढ़ा रहे हैं तो उन लोग को रेंट भाड़ा जुगाड़ करना है, तो माँ बाप गार्जियन उन लोग को खिलाएगा पिलाएगा,
कि ना एक ही बच्चा तो नहीं है, और भी बच्चे हैं, तो उसका खाना खुराक जुगाड़ करेगा या पहनाना उधार लेगा कि पढ़ाई लिखाई का, या हॉस्पिटल में इलाज करेगा बीमार पड़ेगा। आदिवासी क्षेत्र होने के नाते हमारा क्षेत्र पढ़ाई में भी अभी तो आगे आ चुका है, लेकिन गरीबी के चलते हॉस्पिटल की स्थिति कैसी, बीमार हो जाते हैं तो लोग इलाज नहीं कराते हैं। यहाँ पर सामने हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ पर दवाई नहीं रहता है, कभी ओपीडी खुला ही नहीं रहता है समय से 3 बजे के बाद जाने पर कोई डॉक्टर नहीं रहेंगे, रात को ना डॉक्टर रहेंगे। ऐसी स्थिति में आज भी वही यहाँ की स्थिति सेम है जो कल थी वो आज भी, मतलब कोई परिवर्तन हो या सरकार परिवर्तन हो, यहाँ परिवर्तन हुआ ही नहीं जिसकी जरूरत तो देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग रायडी प्रखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं मुखिया से बात कर रहे थे, अलग अलग पंचायतों के थे, उनसे हमने वास्तु स्थिति के बारे में जाना कि यहाँ क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ आश्चर्य हुआ कि काफ़ी जो गांव है वहाँ अभी बिजली नहीं है, संचार के साधन नहीं है, नेटवर्क नहीं होता है, सड़क खराब है, मतलब जो बुनियादी सुविधाएं वो नहीं है। ऐसे में इस क्षेत्र में जो विकास की जो दावे करते हैं सरकारें, कोई भी सरकार हो, उसमें सवाल उठता है कि लोग जब पढ़ाई करने के लिए जब बच्चे स्कूल ना जा पाएँ, जब हॉस्पिटल जाएँ तो दवा ना मिले, जब ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मोबाइल की कनेक्टिविटी ना हो, इमरजेंसी के लिए किसी से बात ना कर पाएँ, तो उस स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसमें सोचने वाली बात होगी कि ऐसे में लोग चुनाव में वोट दे तो क्यों दे, ऐसे में लोगों का जो है लोकतंत्र पर से जो आस्था है वो भी हटता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए कि लोगों की जन समस्या पे विशेष कार्य करना चाहिए, चाहे जो भी आए लेकिन उन पर काम करना चाहिए, लोगों को इतना निराशावादी नहीं बनने देना चाहिए। गुमला से अमित राज।